है 128 के इंटू बी। ये था एक सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सीपीयू था कॉन्फ़िगर बाइट वाइज। ओके, वैसे ही सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है, हालांकि स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन बाइट वाइज ही है, बट क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है 64x4 कैन यू कॉन्फ़िगरेशन निबल एड्रेस स्पेस 64 समथिंग लाइक। ओके, बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन एम क्रॉस एन का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, जहां एन क्या है, एन है सेल साइज, यानी कि एक सेल का जो साइज है। ओके, हो सकता है वो बाइट हो, निबल हो, बिट्स हो, या फिर वर्ड साइज हो। एम क्या है, एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस यानी कि कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, एम क्रॉस एन। ओके, सो इसी के आधार पे हम लोग देखते हैं कि लॉजिक जो एड्रेस लॉजिक डिजाइन है, यानी कि एड्रेस को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेल को एक्सेस कैसे करेंगे। उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग का सिंपल मतलब होता है कि जैसे कोई लार्ज वैल्यू है, ठीक है, उसको इनकोड करके स्मॉल करना है, और डिकोडिंग टाइम पे इसी स्मॉल वैल्यू को सेम लार्ज वैल्यू में चेंज करना है। ओके, इस टाइप का है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास 0001101, इसको जब इनकोड करना होगा तो ये क्या है, दो बाइनरी बिट्स, टू बाइनरी बिट्स से बनने वाले ऑल पॉसिबल नंबर। तो इसको इनकोड हम कर सकते हैं सिर्फ 0 और 1 में। ओके, एंड जब डिकोड करना होगा तो इसको फिर से इस तरह से डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकोडिंग टाइम पे जो एन बिट्स थे या एन इनकोडिंग टाइम पे जो एन नंबर या फिर एड्रेसेस थे, उनको कितने बिट में चेंज कर दे रहे हैं, लॉग एन, यानी कि एन बिट्स हैं, एन नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं, जब उसको इनकोड करेंगे तो उसके लिए सही लॉग टू एन बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, जब लॉग टू एन बिट्स हैं तब इसको डिकोडिंग टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं कितने, एन में। ओके, जब एन है इनकोडिंग करेंगे तो कितना में चेंज हो जाएगा, लॉग टू बेस एन, और जब डिकोडिंग करेंगे तो सेम लॉग टू बेस एन कितना में हो जाएगा, एन में। यानी कि इसको पहले इनकोड किए 2 में और फिर इसको डिकोड करके सेम वैल्यू फाइंड कर लिए। ओके, सेम कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होता है। जैसे कि नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं यहां पे, 63। ओके, नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं, 63। एक डिकोडर बीच में लगा होगा। जब हमारे पास एन बिट्स थे, एन नंबर्स थे, ओके,
तो हम इसको जब इनकोड कर रहे थे तो कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट थी, लॉग बेस 2 एन बिट्स। ओके, तो हमारे पास जब 64 है तो इसका लॉग 2 लेंगे तो यानी कि 8 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, एक 8 बिट में स्टोर होगा। ओके, 8 बिट्स ये है एड्रेस 8 बिट्स का। सेम 8 बिट के एड्रेस को मैप करना है। ओके, तो जब एड्रेस यहां पर रख रहे थे 64 एड्रेस को जब यहां रख रहे थे तो किस चीज की जरूरत पड़ी होगी, इनकोडर की। अब हमारे पास इनकोडेड फॉर्म में एड्रेस है, अब हमको मैप करना है सेल के रिस्पेक्टिव में, यानी कि किस एड्रेस पे कौन सा सेल है। जैसे 8 बिट का फर्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, 00000000, यानी कि ये हो गया फर्स्ट एड्रेस। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेल होगा उसको मैप करना है, तो इस बिट्स को हमको अब डिकोड करना होगा। डिकोड करने के लिए डिकोडर क्या होता है, जब एन बिट देंगे उसको तो वो कितने में कन्वर्ट करेगा, 2^n। ओके, सेम एड्रेस मैप करेगा हर एक एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग सेल को। ओके, जैसे सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया, इसने 61 एड्रेस जनरेट किया, ये क्या करेगा डिकोडर, इस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेल होगा उस सेल को जाकर के एक्टिवेट करेगा। और किस पर्पस के लिए, जो यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल, यानी कि कंट्रोल सिग्नल क्या बताएगा, टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो जो कंट्रोल सिग्नल होगा उस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये उस पार्टिकुलर सेल को इनेबल करेगा। ओके, ये है एड्रेस लॉजिक डिजाइन। ओके, तो यहां पे जैसा देख सकते हैं कंप्लीटली कितना है, 63 सेल्स और ईच सेल 8 बिट्स का है, यानी कि सेल स्पेस कितना हो गया, 8 बिट्स। और एड्रेस रजिस्टर का जो साइज है, एड्रेस रजिस्टर का जो साइज है उसको बोलते हैं एड्रेस स्पेस। ओके, और इस एंटायर को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा डाटा स्पेस। ओके, तो तीन चीज हमारे पास है, एक डाटा स्पेस इन सेल, डाटा स्पेस इन सेल ये कितना हो जाएगा, 1 बाइट, यानी कि 8 बिट्स। एड्रेस स्पेस इन मेमोरी चिप, एड्रेस स्पेस इन मेमोरी चिप, तो जितने बिट्स एड्रेस रिक्वायरमेंट होगा, जितने बिट्स रिक्वायर होंगे कंप्लीट एड्रेस को मैप करने के लिए उसको बोलते हैं एड्रेस स्पेस। तो यानी कि यहां पे 64 एड्रेसेस हैं, हर एक सेल को उसे कॉरेस्पॉन्डिंग सेल नंबर से मैप करने के लिए हमको कंप्लीटली 8 बिट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि सेल स्पेस इन मेमोरी चिप कितना हो जाएगा, 8 बिट्स। ओके, नेक्स्ट है डाटा स्पेस इन मेमोरी चिप, डाटा स्पेस इन मेमोरी चिप वो कैसे फाइंड करेंगे, ये कंप्लीट हो गया डाटा स्पेस, तो इसमें सेल्स और हर एक सेल्स का साइज है, यानी कितने सेल्स हो गए कंप्लीटली, 64।
एंड ईच सेल का साइज कितना है 1 byte, यानी कि टोटल डाटा स्पेस इन मेमोरी चिप हो गया 64 bytes. ओके. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग मेमोरी चिप स्ट्रक्चर. यहां पे मेमोरी चिप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चिप. सेकेंड है व्हाट इज द डाटा स्पेस इन सेल. एड्रेस स्पेस इन द मेमोरी चिप. डाटा स्पेस इन द मेमोरी चिप. ओके, इसको सॉल्व करते हैं. सी, जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल लिए थे 128K into bits. ये क्या था, चिप का नाम था 128 KB. तो हमने यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया था नंबर ऑफ सेल्स एंड सेल साइज. ओके, तो ये जो चिप है वो कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ है. ये 0 से लेकर ये 35. ओके, यानी कि ये जो है एड्रेस स्पेस दिया हुआ है. ए स्टैंड्स फॉर एड्रेस. सो एड्रेस स्पेसेस दी हुई है हमारे पास कुछ इस तरह से. जो सेल साइज है, सेल साइज 8 bits का है, यानी कि मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बाइट वाइज. और ये ए 0 से ए 35 दिया हुआ है. ए 0 से ये 35, ये है एड्रेस स्पेस. ओके, यानी कि 36 bit रिक्वायर्ड है टोटल एड्रेस को मैप करने के लिए. तो जब हमारे पास 2 bits थे, लेट्स से हमारे पास 2 ही bits हैं एड्रेस को मैप करने के लिए, तो हम कितना मैप कर सकते हैं, 00011011. ओके, जब हमारे पास 2 bits थे तो हम टोटल 4 3 bits होंगे तो 8. ओके, 2 bits हैं तो हम टोटल कितना कर पा रहे हैं, 2 to the power n. 3 bits होंगे यानी 4 cell मैप कर पा रहे हैं. अगर सपोज 3 bits होता, ओके, तो ये कितना हो जाता, 2 to the power 3, यानी कि 8 cell. तो हमारे पास अभी कितना है, 36 bits हैं एड्रेस को मैप करने के लिए, 36 bits. तो जब हमारे पास एड्रेस को मैप करने के लिए 36 बिट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने रहे होंगे, 2 to the power 36, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 2 to the power 36. अब पूछ रहा है कि नेम द चिप. तो फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 2 to the power 36, और एक सेल का साइज कितना है, 1 byte, यानी कि बाइट. तो नेम द चिप फर्स्ट, 2 to the power 36, ये हो गया बाइट. इसको अगर फर्दर चाहे तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, 2 to the power 30 into 2 to the power 6 into b. इसको बोलते हैं गीगाबाइट्स, सॉरी मल्ली गीगा. तो हो जाएगा जी गुणे 64 गुणे b, यानी कि 64 GB. ये हो गया चिप का नेम. ओके, नेक्स्ट है डाटा स्पेस इन द सेल. डाटा स्पेस इन द सेल मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेल में जितना डाटा, जितने बिट्स होंगे उसको बोलेंगे डाटा स्पेस इन सेल. तो यहां पर कितना है, 8 bits. ओके, D0 से लेकर के D7, यानी कि डाटा पिंस कितने हैं, 8. तो डाटा स्पेस हो गया सेकंड के ए में, डाटा स्पेस हो गया 1 byte. एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस,
एड्रेस स्पेस हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है A0 to A35, यानी कि 36 बिट्स रिक्वायर होंगे। नेक्स्ट डाटा स्पेस इन मेमोरी, डाटा स्पेस इन मेमोरी, उसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स इनटू ईच सेल साइज। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं हमारे पास, 2^36। ओके, एंड हमारे पास एक सेल में कितने डाटा हैं, 1 byte, यानी कि हो जाएगा 64 GB। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ और आगे देखेंगे इस पे, ठीक है। अभी ढेरों सारे सवाल आने हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी इसमें अभी बाकी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।